एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकंड ईयर के फार्माक्योथेरेप्यूटिक सब्जेक्ट का, जिसमें चैप्टर है हमारा 2I, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्कैबीज की। स्कैबीज क्या होता है? इससे पहले अगर आपने चैप्टर 2I का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, जिसमें हमने डर्मेटोलॉजी और सोरियसिस के बारे में पढ़ा था, तो उसको आप अभी जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं और उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में आज हम स्कैबीज के बारे में पूरा फुल्ली डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि स्कैबीज क्या होता है, क्या इसका कॉजेज होते हैं, कि किन कारणों से ये हो जाती है, क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, साथ ही साथ इसका डायग्नोसिस, टेस्ट और ट्रीटमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल फार्मेसी इंडिया लाइव पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल पे हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9389516306, इसको सेव कीजिए और हमें व्हाट्सएप पर डीपी इंडिया टाइप कर भेज दीजिए। आप तक लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स, चाहे वो आपके एकेडमिक से रिलेटेड है या वो आपके फार्मा जॉब से रिलेटेड है, वो सब आप तक पहुंचते रहेंगे। साथ ही साथ आप हमसे हमारी एप्लीकेशन यानी कि प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से फार्मेसी इंडिया ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट और कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स। अब शुरू करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, स्कैबीज की। स्कैबीज होता क्या है? बेसिकली ये स्किन इन्फेक्शन है जो हमारे स्किन में यानी कि खाल में हो जाता है किसी भी इंसान की ह्यूमन बॉडी में। अब ये होता कैसे है? ये एक इंसेक्ट के काटने से होता है। हमारी स्किन के अंदर ह्यूमन इच माइट होती है, जिसकी वजह से ये हो जाता है। इंसानों के अंदर एक इचिंग माइट होता है, जिसके काटने से, जिसके होने से, जिसकी प्रेजेंस में ये डिजीज हो जाती है और जिसको हम कहते हैं सेरकॉट्स स्केबी। ये एक छोटा सा कीड़ा होता है जो हमारी स्किन के अंदर रहता है और जब इसका काटना स्टार्ट होता है, हमारे शरीर में इसका पनपना स्टार्ट हो जाता है, तब जाकर हमारे स्किन में ये स्केबी जैसी बीमारी हो जाती है। अब ये एक लैटिन वर्ड से वर्ड बना है, कौन सा? स्केबीज। जो स्केबीज है ये एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब है यानी कि जिसका मीनिंग है स्केबियर मींस स्क्रैच, यानी कि खुजाना। हम स्क्रैच करते हैं ना चीजों को, वो चीज करना, खराश कर देते हैं। जैसे स्किन पे किसी ने कुछ काटा, एकदम स्क्रैचेस करने स्टार्ट कर देते हैं, खुजाना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली हमारे स्किन पर कुछ इस तरीके का इन्फेक्शन फैल जाता है, इस तरीके की बीमारी फैल जाती है, जिससे हमें इचिंग स्टार्ट हो जाती है, स्क्रैचिंग स्टार्ट हो जाती है, खुजली स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट, इसमें हम बात करें तो जो स्केबीज माइट होते हैं वो यूजुअली हमारे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी फैल सकते हैं। ये कॉन्टेजियस डिजीज भी होती है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान पर बड़े प्यार से बहुत इजीली ये फैल सकती है। ये प्रोलॉन्ग बहुत लंबे समय तक भी स्किन पर रह सकती है। साथ ही साथ एक जो पर्सन इन्फेक्टेड है इस डिजीज से, जिसको स्केबीज बीमारी हुई हुई है, स्केबीज कंडीशन हुई हुई है, वो अगर किसी हेल्दी पर्सन के टच में आएगा, उससे कॉन्टेक्ट बनाएगा, चाहे फिजिकली या जैसे भी, तो उसमें उस हेल्दी पर्सन को भी बहुत 100% चांसेस हैं कि उसको वो डिजीज, वो स्केबीज बीमारी हो सकती है। अब नेक्स्ट, अगर इसमें हम बात करें, जो स्केबीज है वो वर्ल्ड वाइड में अमूमन हर क्लास के लोगों को और हर एज ग्रुप के लोगों को अफेक्ट करती है। ये कोई क्लास देख के नहीं आती है कि सिर्फ अमीरों को हो सकती है, गरीबों को नहीं, गरीबों को हो सकती है, अमीरों को नहीं। इसी तरीके से ये बच्चों में भी हो सकती है, बड़े बुजुर्गों में भी हो सकती है, अडल्ट लोगों में भी हो सकती है। कोई एज ग्रुप देख के नहीं आती है ये बीमारी, ना ही ये किसी भी सोशल क्लास को देख के आती है कि अमीर गरीब मिडिल क्लास जो भी है उससे नहीं फर्क पड़ता है इसको। ये किसी भी इंसान को हो सकती है, किसी भी एज ग्रुप के लोग को हो सकती है। बेसिकली सेरकॉट्स स्केबी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, एक इंसेक्ट होता है, जिसके काटने से, जिसके हमारे शरीर के अंदर पनपने से, ये बेसिकली हमारी खाल में एपिडर्मिस लेयर की लेयर में प्रेजेंट होता है, स्किन की जो एपिडर्मिस लेयर है वहां प्रेजेंट होता है। जब ये पनपना स्टार्ट हो जाता है तब ये बीमारी हमें होने लगती है। नेक्स्ट, इसमें हम बात करते हैं कि इसका एपिडेमियोलॉजी क्या कहता है, यानी कि महामारी विज्ञान क्या कहता है। पूरे विश्व भर में हर साल इस बीमारी से, यानी कि स्कैबीज कंडीशन से, स्कैबीज डिजीज से 300 मिलियन लोग इन्फेक्ट होते हैं हर साल, ईच ईयर
The estimated worldwide prevalence of scabies is 300 million infected individuals each year. हर साल प्रति वर्ष 300 मिलियन लोगों से ज्यादा लोग इस बीमारी से इन्फेक्टेड होते हैं. और स्केबीज पूरे वर्ल्ड वाइड में ही नहीं बल्कि पूरे ट्रॉपिकल हॉट कंट्रीज में भी होती है. सबसे ज्यादातर जो एक पाई गई है ये हॉट कंट्रीज में, जैसे कि हमारे साउथ ईस्ट एशिया हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, साउथ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, 45 डिग्री प्लस रहता है, वहां सबसे ज्यादातर ये बीमारी देखने को मिलती है. रीजन क्या है कि वहां मैक्सिमम जो अफ्रीकन कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज है, यहाँ लोग हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, यहाँ लोगों पे इतना पैसा नहीं होता है कि जिसकी वजह से वो अपना सोशल क्लास मेंटेन कर पाए, अपने आप को हाइजीन रख पाए और अच्छी जगहों पर रह पाए. गरीबी के कारण और अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से ये बीमारी फैलती चली जाती है और एक पर्सन से, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे बाकी के 100,000 हेल्दी पर्सन को ये बीमारी बहुत इजीली हो जाती है, क्योंकि ये कंटेजियस, यानी कि इंसान एक इंसान से दूसरे इंसान पर बहुत इजीली फैल जाती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं एटियोलॉजी, कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है. अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि ये एक इन्फेस्टेशन होता है एक ऐसे माइट का जिसे हम सरकॉप्स के भी कहते हैं. जब ये शरीर में, स्किन में पनपना स्टार्ट हो जाता है इंसान की, तब ये बीमारी होती है. तो एटियोलॉजी यही है. द ह्यूमन स्केबीज इज अ पैरासिटिक इन्फेस्टेशन. ये एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ये होता है. क्यों होता है कि ये कॉज्ड बाय माइट सरकॉप्स स्केबी. सरकॉप्स स्केबी जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है हमारी स्किन के अंदर, उसके कारण से ये होता है. और ये माइट क्या करता है, ये एक पैरासाइट है जो कि लिव यानी कि रहता है कहां, हमारे जो स्किन है यानी कि स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होती है हमारे स्किन की एपिडर्मिस में, वहां पर ये उस टनल में रहता है, एक टनल गुफा बना लेता है जहां पर ये हमारा सरकॉप्स स्केबी स्किन के अंदर रहता है. और जब ये यहां परसिस्ट कर जाता है या रेजिस्ट कर जाता है, और जब ये यहां रहना स्टार्ट कर देता है, पनपना स्टार्ट कर देता है, तब ये बीमारी होने लगती है. हमें स्केबीज हो जाते हैं जिसकी वजह से हम खुजाना चालू कर देते हैं, हमारी बॉडी पे रैशेज स्टार्ट हो जाते हैं, लाल लाल धब्बे पड़ने लगते हैं उभरे उभरे से, और कभी कभी हम इतना ज्यादा खुजा लेते हैं कि हमारे घाव हो जाते हैं शरीर पर, इतनी ज्यादा इचिंग होती है इस बीमारी में, इस कंडीशन में. नेक्स्ट हम बात करें ट्रांसमिशन, कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है उसके बारे में इसकी बात करते हैं. तो ट्रांसमिशन जो होता है स्केबीज का, वो बहुत इजीली होता है, क्योंकि ये एक कंटेजियस डिजीज है, एक इंसान से दूसरे इंसान पर बहुत इजीली जा सकती है. कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको स्केबीज हुआ है, वो बाकी के 100,000-10,000 लोग जो है बिल्कुल हेल्दी पर्सन है उनके कॉन्टेक्ट में जाएगा, तो बहुत इजीली ये बीमारी फैल जाएगी, बहुत इजीली ये स्केबीज कंडीशन और हेल्दी पर्सन को हो जाएगी. नेक्स्ट हम बात करें तो जो रिस्क है इसके ट्रांसमिशन का, वो बहुत इजीली बढ़ता चला जाता है, बहुत जल्दी जल्दी आसानी से बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि लोग जो है डायरेक्टली फिजिकल कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, चाहे वो हैंड शेक कर रहे हैं, या वो गले मिल रहे हैं, या उनका कपल है तो उनका फिजिकल रिलेशनशिप हो रहा है, तो ये बहुत सारे कारण बन जाते हैं जिनकी वजह से बीमारी बहुत इजीली फैल जाती है और लोग बहुत खतरे में भी आ जाते हैं. जिनको ये स्केबीज हो जाती है उनको एक तरीके से इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट कर देना चाहिए, जब तक ये बीमारी ठीक ना हो तब तक किसी के भी टच में ना आए. साथ ही साथ जो स्केबीज का ट्रांसमिशन होता है वो पर्सनल आइटम से भी बहुत इजीली हो जाता है, जैसे कि हम लोग शेयरिंग बहुत करते हैं, अपने कपड़ों को यानी कि क्लोथ्स को बहुत इजीली शेयर कर लेते हैं, और स्पेशली जो हमारे बेड पे हमारे पर्सनल आइटम्स होते हैं, जैसे हमारा पिलो हो गया, हमारे ओढ़ने की चादर है, ब्लैंकेट है, क्विल्ट है, रजाई, गद्दे जो भी है, उनको हम बहुत आसानी से यूज करते हैं एक दूसरे के, वो भी कारण बन सकते हैं ट्रांसमिशन का, किसका, स्केबीज का. जब हम पर्सनल आइटम्स को यूज करेंगे, किसी के ओढ़ने पहनने की चीजों को इस्तेमाल करेंगे, तो ये इन्फेक्शन बहुत इजीली फैल सकता है, क्योंकि ये कंटेजियस डिजीज होती है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत आसानी से हो सकती है. नेक्स्ट हम बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, किस कारण से ये डिजीज हो जाती है, उसके बारे में बात करते हैं.
तो देयर आर मेनी कॉम्प्लेक्स इम्यूनोलॉजिकल एंड इंफ्लामेटरी पाथवेज व्हिच इन्वॉल्व इन पैथोजेनेसिस ऑफ स्केबीज। बहुत सारे ऐसे इंफ्लामेटरी पाथवेज हैं, ऐसे इम्यूनोलॉजिकल पाथवेज हैं, कारण है जिनकी वजह से ये स्केबीज डिजीज हो जाती है। मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है इस डिजीज का वो है कि एलर्जिक रिएक्शन होने लगता है उन इंसानों को, किसकी वजह से, जो बॉडी के अंदर होस्ट है, जो वो माइट है जिसको हम सरकॉप्स स्केबी कहते हैं, उस माइट के प्रोटीन्स की वजह से, यानी कि उनका वहां न्यूट्रिशन स्टार्ट हो गया है, उनका वहां पनपना चालू हो गया है, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं, हम खुजा रहे हैं, हमें इचिंग बहुत ज्यादा हो रही है, हमें इरिटेशन बहुत हो रही है। तो वो कारण किसकी वजह से है कि उनका पनपना स्टार्ट हो गया उन माइट्स का, उन माइट के प्रोटीन्स की वजह से। नेक्स्ट हम बात करें तो जो माइट प्रोटीन्स होते हैं ये कहां प्रेजेंट होते हैं, ये गट में प्रेजेंट होते हैं, और जो माइट के फीसिस होते हैं ये कहां प्रेजेंट होते हैं, हमारे स्किन के अंदर, यानी कि जब माइट अपना पनपना स्टार्ट कर देता है तो ये हमारे स्किन के अंदर होता है, हमारे स्किन के अंदर ये टनल बना लेता है, और होता क्या है एलर्जिक रिएक्शंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, और ये एलर्जिक रिएक्शंस क्या करते हैं, ये डिले करते हैं दोनों प्रोसेस को, कौन कौन से, सेल मीडिएटेड और इमीडिएट टाइप जो होता है, यानी कि इमीडिएट में क्या है, हमारा ह्यूमरल एंटीबॉडी मीडिएटेड, यानी जो सेल मीडिएटेड है और ह्यूमरल एंटीबॉडी मीडिएटेड है, इनके प्रोसेस को डिले कर देते हैं, जिसकी वजह से स्केबीज हमें बीमारी हो जाती है, यानी कि हमारे खुजली स्क्रैचेस स्टार्ट हो जाते हैं शरीर में, और हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, रैशेज हो जाते हैं पूरी बॉडी पे, जिसमें हम खुजाते ही रहते हैं, हमें खुजली ही लगती रहती है। नेक्स्ट हम बात करें इसके साइन एंड सिम्टम्स की, तो साइन एंड सिम्टम्स क्या कहते हैं कि मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है स्केबीज का वो है इंटेंस इचिंग एंड अ पिंपल लाइक स्किन रैश। एक पिंपल की तरह हमारे स्किन पर रैश बन जाता है, रैशेज हो जाते हैं, और इंटेंस इचिंग, बहुत ज्यादा खुजली लगती है, बहुत तेज खुजली लगती है जिस भी इंसान को ये स्केबीज हो जाती है। और जो ये इचिंग है ये सबसे ज्यादातर रात में होती है, और इतनी ज्यादा होती है कि इस स्केबीज की इचिंग की वजह से वो इंसान पूरी रात भर जागा बैठा रह सकता है, पूरी रात सो नहीं सकता है, इतनी ज्यादा इचिंग होती है, इतनी ज्यादा इंटेंस इचिंग होती है इस कंडीशन में। और सबसे ज्यादातर ये इचिंग ही मोस्ट कॉमन सिम्टम है किसका, स्केबीज की बीमारी का। और सबसे ज्यादा कब होती है ये, मेनली एट नाइट, रात के समय में बहुत ज्यादा ये इचिंग होती है। रैश की बात करें तो मैनी पीपल गेट द स्केबीज रैश, और दिस रैश कॉजेज लिटिल बम्प्स दैट ऑफन फॉर्म अ लाइन, दे कैन लुक लाइक हाइव्स, टाइनी बाइट्स, नॉट्स अंडर द स्किन और पिंपल्स। ये स्किन रैशेस बहुत इजीली हो जाते हैं जब किसी को भी स्केबीज होती है, और ये दिखने में कट जैसे से होते हैं, या चोट जब लग जाती है इस तरीके के घाव जैसे से होते हैं, साथ ही साथ ये पिंपल जैसे दिखते हैं, कि जैसे पिंपल होते हैं हमारी स्किन पे, फेसेस पे पिंपल हो जाते हैं इस तरीके से दिखते हैं, तो ऐसे ये रैशेस होते हैं पूरी बॉडी पे, और कभी कभी एक पैचेस यानी कि जत्थे बनने लगते हैं एक ही जगह, जैसे 10-12 पिंपल टाइप के स्ट्रक्चर्स रैशेज हैं वो एक साथ हैं, फिर दूसरी जगह है एक थोड़ा स्पेस देके इस तरीके से पैचेस भी बनने लगते हैं बॉडी पे, तो ये रैशेज हैं। नेक्स्ट हम बात करें सोर्स, जब रैशेज इतने इंटेंस इचिंग प्रोड्यूस करते हैं, इतनी ज्यादा खुजली होती है कि इंसान जब खुजाता है तो घाव बनना चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोर्स हो जाते हैं, घाव उस इंसान में हो जाते हैं, जब वो रैशेज फट जाते हैं तो घाव भी तो होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थिक क्रस्ट ऑन द स्किन, क्रस्ट होने लगता है स्किन पे, क्यों होता है, क्रस्ट फॉर्म्स व्हेन अ पर्सन डेवलप्स अ सीवियर टाइप ऑफ स्केबीज कॉल्ड क्रस्टेड स्केबीज। जब बहुत ज्यादा स्केबीज हो जाती है, सीवियर टाइप की कंडीशन आ जाती है स्केबीज की, तब उस इंसान के स्किन में क्रस्ट होने चालू हो जाते हैं। इसलिए ये साइन एंड सिम्टम्स हैं, जब रैशेज होने लगे या सोर्स होने लगे या क्रस्ट होने लगे स्किन पर, तो समझ जाना चाहिए कि स्केबीज की स्टार्टिंग हो गई है, या वो इंसान उस स्केबीज से जूझ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके डायग्नोसिस की, कि क्या डायग्नोस कर सकते हैं जिससे हम कंफर्म कर पाए कि उस इंसान को स्केबीज है या नहीं। तो डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन क्लिनिकल फाइंडिंग्स एंड द डेमोंस्ट्रेशन ऑफ द माइट। जो माइट है जिसकी वजह से ये स्केबीज बीमारी हो रही है, तो उसका डायग्नोस होना बहुत जरूरी है, उसका डेमोंस्ट्रेट, उसका पता होना बहुत जरूरी है कि ये प्रेजेंट है स्किन में या नहीं।
तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, जिससे ये पता लगा पाते हैं कि उस इंसान की स्किन के अंदर सरकॉक्स के भी प्रेजेंट है या नहीं, यानी कि वो माइट जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है वो उसकी स्किन में प्रेजेंट है या नहीं। तो जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है वो रिवील करती है किनको, जितने भी माइट्स हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो पता लगाती है कि कितने माइट्स हैं, एक है, दो है, 50 है, 100 है, उससे कंफर्म होता है कि उस स्किन में, उस इंसान की स्किन में माइट्स के फीसिस तो प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से बीमारी होती जा रही है, और फिर हम उसका इजीली डायग्नोस कर सकते हैं किसका, स्केबीज का। नेक्स्ट हम बात करें तो एक हम एक और स्टैंडर्ड मेथड यूज कर सकते हैं जिसे हम स्टैंडर्ड डायग्नोस्कोपी कहते हैं। ये बहुत यूजफुल है किसके डायग्नोसिस के लिए, स्केबीज के डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि ये बहुत हाई सेंसिटिविटी होती है इसके अंदर, और इसे इनएक्सपीरियंस हैंड्स वाले भी कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्रेशर्स होते हैं। लैब्स में जहां डर्मोस्कोपी होनी होती है वहां फ्रेशर्स भी इस टेस्ट को कंफर्म, इस टेस्ट के जरिए कंफर्म कर पाते हैं कि उस इंसान में ये बीमारी है या नहीं, यानी कि स्केबीज है या नहीं। तो ये दो फिजिकल एग्जामिनेशंस हैं कि एक हमारा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और दूसरा डर्मोस्कोपी या स्टैंडर्ड डर्मोस्कोपी। तो इन दो मेथड्स की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि कैसे डायग्नोस किया जा सकता है स्केबीज को। अब हम बात करते हैं उसके फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की, क्या ट्रीटमेंट दे जिसकी वजह से उसकी ये बीमारी स्केबीज कंडीशन ठीक हो जाए। तो इसमें हम कुछ मेडिकेशंस यूज करते हैं और वो कॉमनली यूज्ड मेडिसिंस कौन कौन सी हैं उन पे जरा नजर डालते हैं। परमेथ्रिन ड्रग को यूज कर सकते हैं, आइवरमेक्टिन ड्रग को हम यूज कर सकते हैं, और क्रोटामिटॉन ड्रग यूज कर सकते हैं, बेंजाइल बेंजोएट, नेक्स्ट ड्रग है हमारी लिंडेन, और लास्ट ड्रग है हमारी सल्फर। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं ड्रग्स की जिनको हम किसमें यूज कर सकते हैं, स्केबीज के ट्रीटमेंट में। किसकी वजह से होती है स्केबीज, जब कोई माइट होता है, कौन सा माइट होता है, जो हमारा सरकॉक्स स्केबी नाम का माइट है उसकी वजह से स्केबीज जैसी बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खुजली होती है, रैशेस हो जाते हैं बॉडी में, इवन पैचेस भी बनने लगते हैं। तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिसिन यूज करते हैं, और वो कुछ मेडिसिन कौन कौन सी है ये रही आपके सामने स्क्रीन पर। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि स्केबी क्या होती है, यानी कि स्केबीज क्या होती है, किन किन कारणों से स्केबीज हो जाती है, और हमने उसके डायग्नोसिस टेस्ट के बारे में पढ़ा, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पढ़ा, और उसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा। होपफुली आपको इस लेक्चर में सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, आपको समझ आया होगा कि स्केबीज क्या होती है। इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ।